कुछ नहीं पता। नहीं कुछ तो हुआ है, आप हमें बेवजह भी नहीं डांट रहे, आप हमें डांट ही नहीं रहे, क्या हम इतने सुधर गए? मतलब मैं बेवजह डांटती हूँ तुम्हें? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी होती हैं। अरे मम्मी पापा नहीं है इस वजह से आप शांत बैठे, पापा की याद आ रही है आपको? अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं मम्मी, जब पापा होते थे ना तब हमें लड़ाई भी देखने को मिल जाती थी, आपकी कॉमेडी और पापा की कॉमेडी तो मस्त है मस्त। चुप कर बिल्कुल, मतलब तुझे हमारी लड़ाई देखने में मजा आता है? नहीं मम्मी नहीं, मतलब हम कॉमेडियन बैठे हैं यहाँ पे तेरे पापा और मैं? नहीं नहीं मम्मी, वो जो आप करते थे ना बस उसकी आदत पड़ गई। हाँ हम तो कॉमेडियन बैठे हुए यहाँ पे कॉमेडी करते हैं तुम्हारे लिए, है ना? जा जल्दी जा मार्केट से घी का डिब्बा ले आ, पापा के लिए ना गाजर का हलवा बना दूँ, आने ही वाले होंगे, वरना कहेंगे मेरा फेवरेट फूड भी नहीं बना रखा इतने दिनों बाद आ रहा हूँ। अरे मम्मी आप तो गाजर के हलवे की ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे पापा आएंगे गेट के बाहर से चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। अरे ऐशना मेरा गाजर का हलवा बना या नहीं बना? चुप कर पापा की चमची। पापा की परी, क्या कर रही है यहाँ पे खड़ी खड़ी? जा जल्दी जाओ घी लेकर आ, जा पापा आते ही होंगे। पापा की परी हूँ मैं। ये सब छोड़ और जा लेकर आ। जीनी मैं आ गया। पापा अब आ गए। हाँ मैं आ गया बेटा। पापा जल्दी जल्दी बताओ मेरे क्या लाए? ये पापा आ भी गए और ये महारानी अभी तक यहीं खड़ी है, ये नहीं है जाके घी का डिब्बा ले आए। अरे क्यों डांट रही हो मेरी परी को? कोई तो मैं आपकी परी नहीं हूँ, बताओ हूँ ना? हाँ तो खुद ही कह रही है मेरी परी नहीं है। नहीं हूँ ना। हाँ तो हूँ ना। अरे हूँ ना। हाँ तो हूँ ना। हाँ हाँ तो मेरी परी है। पापा मेरे लाए क्या हुआ? ध्वनि के बेटा तेरे लिए तो कुछ मिला नहीं क्योंकि आज का दिन तो मेरा बहुत ही बेकार गया, लेकिन जिनी के लिए मेरे को ना प्लेटफॉर्म पे एक बाबा मिल रहे थे, वो पेंसिलें बेच रहे थे और उनके पास सिर्फ लास्ट पेंसिल थी, तो मैं पेंसिल ले आया ड्राइंग वाली। पापा मुझे जल्दी से दे दो वो पेंसिल, मैं ड्राइंग करूंगी। अरे बैठने तो दे, रुक जा मैं ब्रीफकेस में से निकाल। ये नहीं है, पापा के लिए पानी ले आए, कोल्ड ड्रिंक ले आए, अभी आए हैं पर नहीं आती डिमांड शुरू हो गई। ये ले अपनी पेंसिल। वाओ पापा इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, चलती भी बहुत अच्छी होगी, अब तो मैं इससे ड्राइंग करूंगी। हाथ में शीशे ड्राइंग करूंगी। हटो हटो हटो, मैं तो ऊपर जा रही ड्राइंग करने। अपना काम बनता भाड़ में चाहे जनता, ये नहीं है पापा के लिए पानी वानी तो ले आती। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है। अरे बेटा मेरे को टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल, इतना दिन खराब गया मैं क्या बताऊँ तेरे को। कर दिया ना उसको नाराज। अरे मैंने क्या किया, मेरा दिन ही इतना खराब गया है। एक पेंसिल उसके लिए लाए थे तो एक उसके लिए भी ले आते। अरे उसके पास थी एक ही पेंसिल तो उसको दे देते। अब क्या करें? पता नहीं क्या करें। अरे आज का दिन तो मेरा इतना खराब गया कि मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। क्या ही बताओगे, कैसा गया आपका दिन? अरे रेलवे स्टेशन पता क्या लिखा हुआ था, किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ ना लें, तो मैंने ट्रेन की टिकट नहीं ली। आपने ट्रेन की टिकट नहीं ली? अरे ऐसी चीज लिखते ही क्यों स्टेशन पे? तो फिर क्या हुआ आपके साथ? होगा क्या, टिकट चेक करने पकड़ लिया, साइन लगा दिया मैंने। अब शांत हो, सबको मत बताओ ना सारी चीजें। मतलब आप तो भाई अनजान व्यक्ति से कुछ ना ले तो मतलब ट्रेन की टिकट नहीं मिली। मतलब मुझे डंडे पड़े और तुम हंस रही हो? ग्रेट, डंडे पड़े आपको? अरे वो सब छोड़ो, इतना ही नहीं हुआ, और भी बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ तो आज। अब क्या हो गया? अरे वो ट्रेन में मुझे बाबा मिल गए, उन्होंने पता है क्या बोला? क्या बोला? उन्होंने मुझे बोला कि तुम तो बहुत दूर तक जाओगे, और वो अपनी कहानी सुनाने लगे और मेरे को सुनते सुनते नींद आ गई। फिर क्या हो गया? अरे फिर क्या हुआ, दिल्ली के स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर यूपी में जाके मेरी आँख खुली और बस हालत खराब हो गई मेरी। मतलब दिल्ली से यूपी पहुंच गए? अरे तुम क्यों ऐसे, मतलब मेरा दिन बेकार जा रहा है और तुम्हें हंसी लग रही है। आप तो सोच रहे होंगे उस बाबा ने ये बताया कि बेटा एक दिन बहुत ऊंचाइयों में जाएगा, और ये क्या पता था पुनीतजन कौन सी किलोमीटर ऊंचाई नहीं बोला था, दूरी बोला था। बहुत दूरी तक जाएगा है ना, तो आपको लगा होगा कितनी दूर पहुंच जाओगे, लेकिन ये तो मुझे क्या लगा? अरे मुझे क्या लगा, वो तो थोड़ा कुछ खाने के लिए बनाया या नहीं बनाया? अरे मैं भी कहां रह गई, उस लड़की से आधे घंटे से कह रही हूँ घी ला दे, अभी देखती हूँ जाके मैं उसे। बताओ कुछ बनाया भी नहीं। फ्रेंड जब तक मम्मी जा रही है देखने, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आगे देखते हैं। अरे वाह कितनी सुंदर पेंसिल लाए पापा मेरे लिए, और ध्वनि के लिए तो कुछ लाए नहीं, पापा की प्रिंसेस बनती है ना। अब मैं हूँ पापा।
परी। क्या ड्रॉ करूं इस पेंसिल से, न्यू पेंसिल से? क्या ड्रॉ करूं? जिनी बेटा, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से घी लाने को बोल रही हूँ मैं? अरे मम्मी बिना घी के डब्बे के पीछे ही पड़ गई। चलो एक काम करती हूँ, घी का डब्बा ही ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर ले आऊंगी बाजार से। ये क्या मैजिकल पेंसिल है? हो सकता है ये शाका लाका बूम बूम वाली पेंसिल हो, मैजिकल पेंसिल। चलो और कुछ ड्रॉ करती हूँ। ये के डब्बे को तो इधर रख लेती हूँ। अरे वाह, आ गया मेरा समोसा। अब तो यकीन हो गया ये मैजिकल पेंसिल ही है। अब तो मैं जो चाहूँ इससे वो कर सकती हूँ। पापा क्या मस्त पेंसिल लाए ना मेरे लिए। शाका लाका बूम बूम, शाका लाका बूम बूम। मैं समोसा खा लेती हूँ। इसमें तो बहुत मिर्चा है। मैं जल्दी से चॉकलेट ड्रॉ कर लेती हूँ, कुछ मीठा भी हो जाएगा। मजा ही आ गया। अब ये पेंसिल तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड पेंसिल। मीठा खा लेती हूँ। अरे लड़की कब से कह रही मार्केट से घी? हाँ तू कब गई मार्केट? मैं ना मम्मी कमरे की खिड़की से कूदी और बाल्टी से सारा सामान ले आई। अच्छा, मैं ना यहाँ पे बेवकूफ नजर आ रही हूँ? मम्मी जब आप पापा से लड़ने में व्यस्त थे ना, तब मैं यूं मार्केट गई और यूं आ गई। अच्छा, पहले नहीं बता सकती थी मैं खामखा चिल्ला रही थी? तो आप पूछ नहीं सकती? हे भगवान, हर बात के तर्क है तर्क जिन्नी में। ये मैजिक पेंसिल, आई लव यू मैजिक पेंसिल। नहीं तो अभी मुझे मार्केट जाना पड़ता। अरे ध्वनि बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही है बाबू? अरे मेरा बच्चा, प्यार नहीं करता। कोई भी आपको प्यार नहीं करता? अरे क्या हो गया इस लड़की को? दीदी आप सही कहते थे, मैं नारियल वाले की बेटी हूँ, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो नारियल वाले की बेटी नहीं है, क्या हो गया वो तो बता मुझे। बेटा मैं अगली बार जाऊंगा ले आऊंगा, वरना आसपास से मार्केट से ले आऊंगा, लेकिन रोना बंद कर दे बेटा। ध्वनि बेटा प्लीज रोना बंद कर दो बेटा। अब कराओ चुप, ले आते एक पेंसिल और कुछ घिस जाता। अरे इसके बाद थी लास्ट पेंसिल मैं ले आया। अरे बड़े बच्चों की थी। जल्दी से ध्वनि के लिए टॉय ड्रॉ कर लेती हूँ। अरे वाह आ गया टॉय। चलो चलती हूँ। ये कहाँ से आया है? अभी खिड़की से कूदी, जंप करी होगी और ले आई होगी मार्केट। मम्मी वो तो ध्वनि के लिए मैं रात को ही रख के लिए आई थी, कि मैं तो सही टाइम का इंतजार कर रही थी। ये सही किया तूने, पापा को बचा लिया। अभी तो मैं कह रहा हूँ मेरी बेस्ट डॉटर है, बेस्ट डॉटर मतलब मेरी नहीं है ना, अरे दोनों की बेस्ट डॉटर है ये। कल तूने बचा लिया। मम्मी जब तक मेरी ये पेंसिल और मैं हूँ आप सब खुश रहोगे। अरे ये सब छोड़ो, मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ। ठीक है जाओ, मैं भी कुछ बनाऊँ खाने के, और मैं भी अंदर चली जाती हूँ। अब मैं तो इससे खेलती हूँ। अरे वाह क्या फैशन है,
बॉम्बे से नया फैशन सूट कर आए हो, एक पैर में जूता और एक पैर में चप्पल। अब क्या करूं, मेरा जूता दूसरा मिल ही नहीं रहा है। दूसरा जूता मिल नहीं रहा है तो ऐसे ही चले जाओ। अरे क्यों मजाक कर रही हो, मैं सोच रहा था मार्केट में कहीं से एक और पीस खरीद लूंगा और मैं चला जाऊंगा। ऐसे चले जाओगे? हाँ। पापा एक काम करो, मेरे जूते पहन जाओ। अरे ऐसा ना करूं कि मैं बिना जूते चप्पल की चला जाऊं। हाँ, मजाक बना रहे हो मेरा। ऐसा ही कर लो, और ये तो नया लेटेस्ट फैशन है, वैसे तो ऐसे भी जा सकते हो, अपने फ्रेंड से कह देना देखो बॉम्बे से नया फैशन सीख कर आया हूं। अरे यार मेरा सुबह से ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है और फिर तुम मजाक करने में लगे हुए हो। क्या हो गया तुम्हें? ये हो गया देख, ना ये तो फैशन है, जूता नहीं मिल रहा, जूता नहीं मिल रहा। अब तो कुछ तो जूता नहीं मिल रहा या चप्पल नहीं मिल रही, जूता नहीं मिल रहा चप्पल नहीं मिल रही, जूता नहीं मिल रहा चप्पल नहीं मिल रही। अच्छा चलो ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। अरे क्या बना के लाएगी, वो सब्जी है जो तू बना के लाएगी? मोची? अरे नहीं मम्मी मैं मोची नहीं, ये मोची नहीं गोची है, गोची। मेरा मतलब था कि मैं बेडरूम में से ढूंढ कर लाती हूँ, आपके मजाक में मैं इतना घूम गई थी कि मैंने बनाती हूँ बोल दिया। ये बात तो सही कह रही है, फटाफट से लेके आ। मैं तुमसे कह रहा था चूहों की दवाई डाल दो, इतने सारे घर में चूहे हो रहे हैं, चूहा ही लेके गया होगा और एक चुहिया भी। धब्बा हो जाए, अब बहुत थोड़ा शांत रहो। और ये देखो दूसरी चुहिया होता है, यही मेरा जूता ले गई हो। नहीं तू तो मेरी प्रिंसेस है, प्रिंसेस। जल्दी से पापा के लिए शूज बना लेती हूँ, बड़ा मजा आएगा, पापा खुश हो जाएंगे मेरे से। जिन्नी आजकल तो बड़ी परफेक्ट हो रही है, कमरे में जाती है और सारे सॉल्यूशन करके ले आती है। अरे मम्मी पापा मैं आपके सारे दुख हर लूंगी, बस आप जिन्नी नाम प्यार से बोलो। क्यों तू हनुमान बन गई क्या? संकट मोचन है, जरा पढ़ भी लिया करो, स्कूल तो आजकल कोई जा नहीं रहा है, घर में बैठ के पढ़ाई कर लिया करो, दुख तो बाद में हर लेना। वाह पढ़ाई का नाम लिया तो ये मैडम तो पहले ही खिसक ली, कितनी समझदार है ना, कितनी पढ़ाई पास कर मुझ पे गई है ना। और आप जाओ और पढ़ाई कर लो जल्दी से जाके। मम्मी ऐसी बात नहीं है, मैंने ना अपना फ्यूचर सिक्योर कर रखा है, सेफ कर रखा है, मेरी लाइफ सेट है, मैं पढ़ूंगी भी नहीं तो। अरे वाह अलादीन का चिराग इसके बाप लगा है ना, जो इसकी लाइफ सेट है, फ्यूचर सिक्योर है, पता नहीं क्या बात कर। तुम तो ये सब चीज करते रहो, मैं तो जा रहा हूं। जाओ जाके आप भी पढ़ाई करो, जाओ बहुत हो गया, सारा दिन बैठे बैठे कमरों में गपशप करती रहती हो, कुछ नहीं हो सकता इस फैमिली का। मम्मी भी ना मुझे अंडर एस्टिमेट करती रहती है, अभी बताती हूँ मैं अपनी जिंदगी कैसे चलाऊंगी। इस मैजिकल पेंसिल से लाखों करोड़ों रुपए बना लेती हूँ, करोड़पति बन जाऊंगी मैं, करोड़पति। मेरा बंगला होगा, गाड़ी होगी और नौकर चाकर भी होंगे, और मैं तो इस देश की सबसे रिचेस्ट गर्ल हूँ सबसे कम उम्र में। मैंने कोई गलत ड्राइंग बना दी क्या? दोबारा बना लेती हूँ। अरे इस मैजिकल पेंसिल से पैसे आ क्यों नहीं रहे? ये क्या हो गया मेरे दोस्त को, इसकी बैटरी तो डेड नहीं हो गई? मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह, लिफ्ट किसी भी समय बंद हो सकती है पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है। मैंने तुमसे दोस्ती की थी दूसरों की खुशियाँ बांटने के लिए, ना कि खुद की खुशियाँ खरीदने के लिए। ये मुझे क्या हो गया? मेरे पास मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस आई, मेरी तो
पेंसिल पेंसिल। ये लड़की नींदों में भी बड़बड़ करती रहती है, जागी होती है तो भी बड़बड़ करती है, नींदों में तो भी बड़बड़ करती रहती है। मेरी मैजिकल पेंसिल मुझे। जिन्नी उठो बेटा, पापा आ गए हैं, उठो घी ले आओ मार्केट से। मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती आपसे कब नहीं होती, वो तो रोज का ही काम है। और गलतियां गिनवानी बंद करो, और पापा आ गए हैं, जल्दी से जाओ और घी का डिब्बा ले आओ। क्या पापा अब आए? हाँ पापा, और क्या, कब आने थे पापा? जाओ जल्दी से जाओ, घी लेकर आओ। चलो मेरे को गाजर का हलवा बनाना है, जाओ। अरे कहाँ रह गए सब, पता नहीं भूख लगे जा रही है मुझे। रेशना भी चली गई, घी का डब्बा ना हुआ, जी का जंजाल हो गया। पता नहीं क्या करें क्या करें क्या करें। पापा पापा मेरे प्यारे पापा आ गए। अरे क्या हुआ, तू बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तेरे को। पापा मेरा गिफ्ट। तेरा गिफ्ट? हाँ, कौन सा गिफ्ट? जो आप लाए। मैं तो कोई गिफ्ट नहीं लाया। क्या घूमने तो गए तो ला दोगे? अरे जब हटेगी तभी तो दूंगा। हट जरा, गिफ्ट गिफ्ट मांगते रहते हैं। ये भी नहीं पूछा पापा कैसे हो। कैसे हो पापा? चुप रहे। कैसे है पापा? आइस क्लोज। देव देव क्लोज रखियो आइस। ठीक है क्लोज है अभी। आइस ओपन। अरे वाह मेरी मैजिकल पेंसिल। मैजिकल पेंसिल? पापा प्लीज, फ्रेंड्स जो गलती मैंने की वो आप गलती बिल्कुल मत करना। और आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।